लीजिए, हमारी स्मोकी कढ़ाई या कोयला कढ़ाई तैयार है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, ये बहुत ही झटपट बनने वाली है। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, स्पेशली जब कोई मेहमान आए तो आपने ज़रूर बनानी है। तो आप देखिएगा आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल कोयला कढ़ाई या स्मोकी कढ़ाई। तो इसके लिए हमने जो है ये 1 kg से थोड़ा कम है हमारा, ये हमने बीफ लिया है, ये हमारा बॉयल है। आप रेस्टोरेंट में गए होंगे तो आप देखते हैं कि 10-15 मिनट में वो हमें स्मोकी कढ़ाई हम कहते हैं तो बना के दे देते हैं। सेम यही प्रोसेस है कि वो गोश्त को पहले से बॉयल करके रख देते हैं, इसीलिए जल्दी बनती है। तो आप देखिएगा तो ये भी बहुत जल्दी बनेगी। इसके लिए हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, अगर आपके छोटे हैं तो आप 3 या 4 ले सकते हैं। 1 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको हमने यूँ गोल गोल लच्छू की सूरत में हमने रिंग्स की सूरत में हमने काट लिया है। 1/2 कप हमने ये अदरक धनिया और पुदीना लिया है, 6-7 अदद हमने मिर्चें ली हैं, और मसालों में 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, हमने ये धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी लिया, और 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 कोयला लिया है हमने। 1 कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। ब्राउन नहीं करना है हमने, सिर्फ इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है, बिल्कुल हल्के से फ्राई करना है इसको। ये हमारा फ्राई हो चुका है, अब हमने अपना गोश्त डाल देना है। थोड़ी सी चटनी है, ये हमने नहीं डालनी है। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से तकरीबन 3-4 मिनट तक भुनना है। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है, अब हम अपने मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी सी हम यखनी डालेंगे ताकि जो है ये हमारे मसाले जले ना, बिल्कुल तकरीबन 2 टेबल स्पून। हमने टमाटर्स के 4-4 पीसेस करके इस तरह डाल देने हैं, बहुत बारीक नहीं काटना है क्योंकि हमने इनका छिलका उतारना है। बड़े साइज़ में कटे हुए होंगे तो इनका छिलका जो है वो इजीली उतर जाएगा। टमाटर अगर छोटे हों तो आपने उनको जो है 2 पीसेस करने हैं। हमारा बहुत बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इसलिए हमने इनके 4 पीसेस किए हैं, और ऊपर से अब हम 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। अब हम ऊपर से इसको ढक देंगे। अब हम एक बार इसको यूँ हिला लेंगे ताकि गोश्त नीचे ना लगे। अब हम टमाटरों के ऊपर जो छिलका है वो उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितना आसानी से ये उतर रहा है। ये सारे छिलके इसी तरह हम सब टमाटर के उतार लेंगे। तकरीबन सारे छिलके हमारे उतर गए हैं। अब हम
चम्मच की मदद से इन सारे टमाटर्स को थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आंच हमारी मीडियम लो है, बहुत ज़्यादा हाई हमने नहीं रखनी है। बस थोड़ी सी इनकी और भुनाई करनी है और टमाटो जो है बिल्कुल साथ मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब थोड़ी सी भुनाई करनी है। जब ये हमारा गोश्त जो है ऑयल छोड़ेगा तो उस वक्त हमने इसको भुनना ख़त्म करना है। हमने ऊपर से अब इसको ढकना नहीं है ताकि जो ये नमी है इनकी टमाटर्स की वो अच्छे तरीके से जो है खुश्क हो जाए। मसालों में हमने नमक नहीं डाला था क्योंकि मैं कोई भी चीज़ जब गलाती हूँ तो उसमें रख देती नमक डाल देती हूँ, तो अभी मैंने चेक किया है तो थोड़ा सा नमक जो है वो कम था, तो अभी मैं थोड़ा सा ये नमक डालने लगी हूँ। टेस्ट करने के बाद जो है वो नमक डालना चाहिए क्योंकि कम हो तो डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा जो है वो निकल नहीं सकता। गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हमने इसमें जो है अपने प्याज डालने हैं। प्याज हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए हम ज़्यादा डालते हैं। साथ ही हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा सा इनको मिलाएंगे। ये देखिए ये इसमें चूड़ियाँ पहन ली हैं। हमारी कोयला कढ़ाई तैयार है, अब हम इसको जो है कोयले से स्मोक देंगे। अब हम कोयला रखेंगे, इसके ऊपर हमने ऑयल डालना है, ऊपर से ढक देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितने अच्छे से स्मोक आया इसे। अब इसकी आउटलुक देखिएगा। लीजिए हमारी कोयला कढ़ाई तैयार है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल, आपने बिल्कुल सेम इसी तरह फॉलो करना है, बनानी है, तो आप देखिएगा कि आपकी कितनी तारीफ़ें होंगी। ये बहुत इजी रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई और इजी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।